हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है और हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, इसके पहले हमने जितने भी आपके कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे हमने वो डिस्कस कर लिए थे। कुल 104 प्रश्न थे जो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में उससे सेम प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप वो प्रश्न जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। लिखा गया है UPDLA फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट, ठीक है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब हम आज से अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करते हैं जो एक नंबर का होता है, ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो 2 नंबर का होता है, और जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको अनिवार्य 12 नंबर लाना है। तो आपको बहुत ही अच्छे से अपना प्रिपरेशन करना होगा और आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही कम समय, क्योंकि आपको पता है कि कुल जो टाइम मिलने वाला है वो आपको कुल टाइम आपको पता है कितने सारे सब्जेक्ट है, कुल 8 सब्जेक्ट है, और टाइम आपके पास नवंबर आ ही चुका है, ठीक है, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। जनवरी के बाद आपका पेपर कभी भी हो सकता है, फरवरी में हो या फिर मार्च में आपका पेपर कभी भी हो सकता है। इसलिए आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बेस्ट होना चाहिए और आपको जो फोकस है इस पे 100% देना होगा, तभी आपका जो, अगर आपको पास तो सभी आ जाते हैं लेकिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करना होगा ताकि आपका नाम हो और आपके घर वाले भी कहें कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो फिर बहुत सारे पैसे दियोगे, या फिर सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो भी पैसा लगता है, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है, और आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, और मैं PDF भी आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। सबसे पहला आपका प्रश्न यही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ जो पूछा गया प्रश्न है वो भी इसमें दे दिया गया, तो आपको इसे ये पता चल जाएगा कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहला आपका प्रश्न यह है कि मेमोरी क्षमता नापने की इकाई है, मेमोरी क्षमता नापने की इकाई है तो किससे, तो मेमोरी क्षमता नापने की इकाई है वो होता है किलोबाइट। अगला आपका प्रश्न है कि बाइनरी प्रणाली क्या है, ठीक है, बाइनरी प्रणाली क्या है तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। जो कंप्यूटर में लगा होता है, ठीक है, कंप्यूटर में लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वो केवल मशीनी ही भाषा समझता है। इस भाषा में केवल 2 ही अंक होते हैं, अर्थात 0 और 1 का ही प्रयोग होता है, इसे बाइनरी प्रणाली कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी प्रश्न है, बाइनरी को लिखा जाता है 0 और 1 का ही, जो कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है, ठीक है, तो जिस अंकों का अर्थात 0 और 1 का ही प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप क्लियर कर लेना। अगला आपका प्रश्न है डाटाबेस क्या होता है, लिखिए और देखिए, यहाँ DLED 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, डाटाबेस क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, तो आप उसे देख लें, लिखना है। डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कार्य कर सकते हैं, ठीक है, तो डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। प्रश्न आपका चौथा है कि बिट क्या है, तो बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है, ठीक है, बिट से 8 बिटों के सम्मेलन से बाइट बनता है और 4 बिट के सम्मेलन से निबल बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि बाइट किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ प्रश्न में है कि 8 बिटों के समूह को बाइट कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि ALU को, जो ALU है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या है, तो यह कंप्यूटर एवं तार्किक एवं अंकीय गणना करती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला आपका जो प्रश्न है, प्रश्न 7वां की मोडेम क्या है, बहुत ही IMP प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। मोडेम क्या है, तो मोडेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला एक ऐसा यंत्र है, ठीक है। एक लाइन आप पहले याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले आप एक वाक्य को पढ़ो फिर उसे समझ लो, फिर वहाँ स्टॉप हो जाओ और पहले आप एक लाइन को समझो, ठीक है। तो एक लाइन को हमने समझा कि मॉडर्न कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला एक ऐसा यंत्र है, दूसरा, जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक, ठीक है, टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर
स्थित कंप्यूटर से आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो मोडेम क्या है? तो मोडेम एक कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से आंकड़ों का आदान प्रदान, मतलब जैसे कि एक यहाँ कंप्यूटर है, ठीक है, एक यहाँ कंप्यूटर है और दूसरा कंप्यूटर यहाँ है। तो ये कह रहा है कि मोडेम एक ऐसा यंत्र है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन के लाइन द्वारा, ठीक है, टेलीफोन के लाइन द्वारा एक दूर स्थित, मान लो ये दूर कंप्यूटर स्थित है, दूर स्थित कंप्यूटर के आंकड़ों को आदान प्रदान किया जाता है, वही होता है मोडेम। मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं कि सीपीयू क्या है, जो मुझे लगता है आपको पता भी होगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको ऐसी ही तैयारी करनी होगी। तो सीपीयू क्या है? तो सीपीयू कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है, इसे हम कंप्यूटर मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। अब हम एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें, अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर के भाग कितने हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर के जो भाग होते हैं वो सीपीयू होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही पूछा जाए, एक और होता है उसके बाद पूछा जाए कंप्यूटर सिस्टम क्या है, जब कंप्यूटर सिस्टम पूछ दे तो आपको वो चार होता है, आउटपुट, इनपुट, ठीक है, आउटपुट सॉरी इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट स्टोरेज। तो अगर कंप्यूटर का भाग पूछे तो आप सीपीयू, माउस, इनपुट, मॉनिटर, सॉरी सीपीयू, माउस, मॉनिटर, ये सब कुछ पे टिक करोगे। बट अगर कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पूछेगा तब आप इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट स्टोरेज के बारे में टिक करोगे। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है? तो इसके बारे में, क्योंकि ये सीपीयू का भाग होता है, सीपीयू के जो तीन भाग होते हैं, सीपीयू के तीन भाग होते हैं, एक तो होता है सीयू, एएलयू, ठीक है, सीयू, एएलयू और एमयू होता है। तो ये तीन पार्ट होता है। ये पूछ रहा है सीयू क्या होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने एएलयू के बारे में जाना और यहाँ पूछ रहा है सीयू क्या है। सीयू क्या है? सीयू क्या है? तो कंट्रोल यूनिट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे इनपुट किए हुए डाटा को प्रोसेसिंग होने पर नियंत्रण करता है, ठीक है। कोई भी हम डाटा अगर इनपुट करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, तो जब प्रोसेसिंग होता है तो सीयू का यही कार्य होता है कि उसका नियंत्रण करना होता है जब प्रोसेसिंग होता है उसके दौरान। एक गीगाबाइट किसके बराबर होता है? एक गीगाबाइट जो होता है वो एक एमबी के, मतलब 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, जो बीटीसी 2017 और 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो बीटीसी 2017 में पूछा गया है और बीटीसी 2018 में भी पूछा गया है, तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया क्या है? किसी बात अथवा सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करता है, वो मल्टीमीडिया कहलाता है, ठीक है। तो आप बहुत ही इजी देख सकते हो मल्टीमीडिया, तो मतलब ऐसे ही पता चला कि बहुत सारे जुड़े हैं, ठीक है। तो किसी बात, ठीक है, किसी बात, सूचना, शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है, मतलब एक साथ सारे काम को चलाना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कह सकते हो, मान लो आप कंप्यूटर, मान लो फ़ोन ही है, ठीक है, फ़ोन में बहुत सारे ऐप खोल देते हो, गाना भी सुनते हो, कुछ टेक्स्ट भी करते हो, ठीक है, मतलब कुछ भी चलाते हो, गाना सुनते हो, सब लिखते हो, फोटो देखते हो, किसी इंफॉर्मेशन को कहीं सेंड करते हो, जीमेल चलाते हो, एनिमेशन बनाते हो, तो ये सब जब एक साथ काम करने को ही मल्टीमीडिया कहलाता है, ठीक है। अगला आपको यहाँ मल्टीमीडिया के कुछ तत्व भी पूछ दिया, जैसे शब्द हो गया, चित्र हो गया, चलचित्र हो गया, एनिमेशन हो गया, वही जब एक साथ बहुत सारे काम का, जैसे सूचना, शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स, ये सब मल्टीमीडिया जब एक साथ काम होते हैं तो मल्टीमीडिया उसे कहते हैं। अब आ रहा है आउटपुट किसे कहते हैं। आउटपुट तो आई थिंक बहुत ईजी है और डीएलएड 2018 में पूछा हुआ प्रश्न, आप देख सकते हो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे थे, इसलिए प्रैक्टिस सेट करना चाहिए। तो आउटपुट कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य द्वारा आया परिणाम आउटपुट कहलाता है। जब हम इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग हो जाता है, तो हमें आउटपुट मिल जाता है, और उस आउटपुट मिल जाने के बाद हमें कोई भी स्टोर करने के लिए स्टोरेज चाहिए, तो इसलिए हम स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग करते हैं और हम कभी भी उस प्रोग्राम को हम फिर से देख सकते हैं। 13वां आपका प्रश्न है कि
वेब ब्राउजर क्या होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BGC 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है कि वेब ब्राउजर क्या है। तो ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के माध्यम से संबंध स्थापित करता है, और वेब ब्राउजर के कारण हम वर्ड वेबसाइट में वेब में स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउजर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है, आदि। तो आई थिंक आपको बता भी होगा वेब ब्राउजर क्या होता है। तो ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो ग्राहक उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है, ठीक है, जो यूजर होता है और वेब सर्वर होता है उसके बीच संबंध स्थापित करता है। वेब ब्राउजर के कारण ही हम वर्ल्ड वेब वाइड, ठीक है, WW इसका फुल फॉर्म होता है, वर्ल्ड वेब वाइड में वेब में स्थित पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। और कंप्यूटर में कुछ प्रचलित ब्राउजर है जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेट स्केप नेविगेटर। 14 नंबर आपका प्रश्न है कि विंडोज में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है। बेटी से 2000 का पूछा हुआ प्रश्न है कि विंडोज में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। नवीन फोल्डर बनाने हैं तो निम्नलिखित क्रियाएं करनी होती है। सबसे पहले तो आप अपने डेस्कटॉप पे किसी एक रिक्त स्थान पर माउस को दायां बटन क्लिक कीजिए, ठीक है। आपका माउस होता है यहाँ पे, इस पे आपको ये आपका लेफ्ट होता है और ये आपका राइट होता है, तो इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, इधर। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस मेन्यू में, ठीक है, इससे स्क्रीन पे एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा। साइड में यहाँ सब कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें लिखा होगा न्यू, उस पे आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक है। ऐसा करते ही न्यू विकल्प का झरना दिखाई मेन्यू दिखाई पड़ने लगा। इस मेन्यू फोल्डर को क्लिक कीजिए और अब डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर का नाम दिखलाया गया। इस पर आप नाम के स्थान कोई दूसरा नाम टाइप कर सकते हो, ठीक है, जिसके लिए भी फोल्डर बना रहे हो उसका नाम आप लिख सकते हो। जैसे कि कंप्यूटर है तो हम अगर कंप्यूटर का PDF कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कंप्यूटर लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही फोल्डर बनता है। तो आज के लिए हम इतने प्रश्न रहने देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और जितने भी आज के प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप